नमस्कार दोस्तों, माल्टा के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से माल्टा में जॉब ली जाए। ठीक है, हर चीज़ से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जॉब ऑफर ले सकते हैं, पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सब लोग इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा है, पैसा अच्छा है और यूरोप की कंट्री है हर चीज़ में। बाकी अगर हम आपकी गल्फ कंट्री से, चाहे उसमें आपकी यूएई हो, ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी हो, इनसे अगर हम कंपेयर करें तो माल्टा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जाने के बाद में किसी भी यूरोप कंट्री में आराम से आप मूव हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यही रहेगी हमारी कि एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो। तीन जो ये अभी मंथ चालू हो गया, इसके फर्स्ट वीक का जो 3 तारीख आएगी, अभी वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन चालू हो गई है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों एक बार हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए, कौन कौन सबमिट कर सकता है एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए मैंने अपनी 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये बताया था कि आपको माल्टा के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप जॉब ऑफर ले सकते हो। ठीक है, वो वीडियो देख के बहुत सब ने अप्लाई किया था। मेरे 7-8 बंदे अभी कुछ याद है जिनको ऑफर लेटर आ गया है वहाँ से। एक विनय है, विनय दास है, ठीक है, एक लड़की है श्रुति, और एक लड़का है आपका अंकित, एक है अहमद करके लड़का, ठीक है, एक वक्कार है, और आपका एक लड़का है राजेश करके, एक लड़की है सोनम करके। तो ये लोग हैं जिनका वहाँ से ऑफर लेटर आ गया है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इन लोगों ने, जिनके मैंने आपको नाम बताए, इन्होंने मोस्टली जो कंपनी से मेरा टाई अप है सीवी बनाने के लिए, उनसे सीवी बनवाए है, उसके बाद फिर इन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप उस कंपनी से नहीं बनवा रहे हो जिससे मेरा टाई अप है, आप किसी दूसरी कंपनी से बनवा सकते हो या खुद भी बैठ के आराम से बना सकते हो। तो अभी हम एक बार बात कर लेते हैं कि जॉब ऑफर कैसे लिए। जॉब ऑफर के लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा, नीचे माल्टा की ये साइट है, वहाँ से जॉब ऑफर आपको मिल जाएगा, लेकिन जॉब ऑफर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। सबसे पहला आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो सीवी का है, उसके बाद में क्या आपकी स्किल्स है, ठीक है, क्या आपकी एजुकेशन है, सारे का सारा एक जिसको बोलते हैं निचोड़ करने के बाद में वो देखेंगे कि हाँ बंदा हमारे लिए ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स का एक प्रोसीजर होता है वो पूरा करने के बाद में वहाँ से वो जो एम्प्लॉयर है माल्टा का आपको एक ऑफर लेटर आपको भेजेगा। आगे का जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा वो आपको बता देगा कि आपको क्या क्या करना है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन डाली थी और वहाँ से ऑफर लेटर उनका आ गया था, तो अभी क्या कर सकते हैं कि उसी पे आगे काम कर सकते हैं या नया लेना पड़ेगा। आपको जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफर भेजा था और वो एक्सपायर हो गया है, वो 30 दिन की उसमें टाइम होता है, ठीक है, 30 दिन का टाइम के बाद में ऑलरेडी एक्सपायर हो जाता है अगर आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करते या वर्क परमिट आपको नहीं मिलता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपसे जो भी कॉन्टैक्ट में है आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको ऑफर लेटर भेजा है, आपको उसको एक मेल करनी है कि मेरा ये एक्सपायर हो गया है, प्लीज़ मुझे दूसरा भेजिए, ठीक है। तो उसके बाद में वो आपको दूसरा एक ऑफर लेटर भेजेगा नेक्स्ट 30 डेज डेट का, ठीक है। उसके बाद में फिर आप एलिजिबल है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। जो भी आपका एम्प्लॉयर है पूरे का पूरा वर्क परमिट से रिलेटेड आपका पूरे का पूरा वही काम करके देगा आपको। अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, VFS बुलाता है आपको, तो ठीक है। अगर वो सोचते हैं कि भाई नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, आपका काम हो गया। टाइम इसमें लगता है 45 डेज से लगा के और 3 महीने तक का टाइम लग जाता है। मैं इस सिचुएशन को देख के बोल रहा हूँ जो अभी COVID-19 की सिचुएशन चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि जो वहाँ पर ऑलरेडी है और जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी अपना एम्प्लॉयर चेंज करने के लिए और वो होल्ड है। एम्प्लॉयर कैसे चेंज करना है कि मैं अगर एक बंदे के पास मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने अप्लाई किया है कहीं और जॉब के लिए और उस बीच में COVID-19 स्टार्ट हो गया था, इस सिचुएशन में वो होल्ड हो गई थी मेरी एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन आपकी होल्ड हुई थी वो फर्दर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको ये एम्प्लॉयर छोड़ के किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास में जाना है तो अभी आप भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसी एप्लीकेशन पर आप काम कर सकते हैं, वही एप्लीकेशन आप चालू कर सकते हैं, अगर चाहे तो नई एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी 3rd of September से ये काम स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग भी एलिजिबल है इसके लिए अभी। तो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को कि सबसे पहले एक अच्छा सा सीवी बनवाओ, ठीक है, किसी से बनवा लो जो भी पेड
सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है, अगर आप बना सकते हो अच्छा आप बना लो। उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है साइट जॉब प्लस, ठीक है, माल्टीज की, गवर्नमेंट की, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करो अपना सीवी, जाके वो लोग देखेंगे सब कुछ। अगर अच्छा हुआ तो वहाँ का एम्प्लॉयर आपको एक जॉब ऑफर भेजेगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स उसको पूरे करने हैं वो पूरा करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स फिर आपसे उसको चाहिएंगे वो आपसे मांगेगा, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखो। उसके बाद में जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा वो आप उसको फॉलो करो। ज़्यादा फीस नहीं है, माल्टीज़ वीज़ा के लिए 286 के आसपास है, बाकी अदर कुछ और पैसा लगता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत वो है, तो मतलब 400 यूरोज़ में आपका पूरे का पूरा काम हो जाएगा। जो आप लोगों से बोल रहे हैं कि हाँ भाई इतना मोटा पैसा लगेगा आपका कि 5 लाख 10 लाख उन लोगों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से। और इसमें 80-90% जो भी आपका पैसा लगता है वो वहाँ का एम्प्लॉयर वहाँ पे जाने के बाद में आपको वो पैसा रिफंड भी कर देते हैं। हाँ, अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हो, ठीक है, जो आपकी वीज़ा फीस है 286, उसके अलावा जो भी कंसल्टेंट का वो चार्ज होगा वो आपसे करेंगे, वो शायद आपको देना भी चाहिए अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप करवा रहे हो, ठीक है, जितना भी हो उसका 15,000-20,000, वो डिपेंड है कंसल्टेंट के ऊपर कि वो कितना ले रहे हैं। तो मतलब ले देंगे, यही है कि आपका इतना मोटा पैसा नहीं लगेगा और इन फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है जो आप लोगों को बोलते हैं कि मैं काम करा दूंगा आपका, ठीक है, और इतना पैसा लगेगा, इतने डॉलर मेरे पास भेज दो, तो उनके बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ में अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद।